dear students, next topic is ideal solutions and non-ideal solutions. Ideal solution में और non-ideal solution में बेटा difference भी पूछा जा सकता है 1 or 2 marks में. Second क्या question बनता है कि आपसे वो कोई भी example पूछ सकता है कि ideal solution का example बताओ, non-ideal का बताओ, या फिर एग्जाम्पल से वो आपसे क्या पूछ सकता है टाइप ऑफ सोल्यूशन, कि कौन से टाइप का सोल्यूशन बना हुआ है. तो बेटा इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने से पहले हम समझते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं. रियलिटी में बेटा कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है. आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता फिर भी हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस पर सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करते हैं. व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशंस? तो बेटा आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं अपनी हर कंसंट्रेशन पर. दैट मींस कितना भी आप सॉल्यूट ऐड कर लो, कितने सॉल्वेंट में भी और किसी भी टेम्परेचर पर, तीनों ही कंडीशन में जो सॉल्यूशन बना है वो किसको फॉलो करे बेटा? रॉल्स लॉ को. बट वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, कहां पर ओबे नहीं करते बेटा? हर टेम्परेचर की कंडीशन पर, हर कंसंट्रेशन पर जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करे वो सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. जो रॉल्स लॉ को ओबे करे दैट आर आइडियल, एंड जो ओबे ना करे दैट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. अब आते हैं हम अपने रॉल्स लॉ की टर्म पर, कि रॉल्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट दैट इज ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काय ए, और PB will be equal to P not B into chi B. Rohmer's law को follow करने वाले सभी solution क्या होंगे बेटा? Ideal solutions. But अगर हम non-ideal solution की बात करें तो बेटा जहां पर PA is not equal to P not A into chi A, और PB is also not equal to P not B and chi B, जो solution इस Rolle's law की definition को, इस Rolle's law को obey नहीं करते हैं वो क्या होंगे बेटा? Non-ideal solutions. तो बेटा अब आते हैं अपने main point पर, कि क्या चीजें हैं, क्या terms हैं, क्या conditions हैं कि रोल्स लॉ को कुछ सॉल्यूशंस ओबे करते हैं और कुछ ओबे नहीं करते. तो बेटा ये डिपेंड करता है उनकी इंटरेक्शंस पर. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस कैसी हैं वो डिसाइड करेंगी कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल. क्लियर बेटा. अब अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात करें, दैट मीन्स ए ए ए, यानी कि आपके सारे पार्टिकल्स कैसे हैं बेटा? ए ए टाइप के. दैट इज अगर हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच की इंट्रैक्शन की बात करें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है. सेकेंड बेटा बी एंड बी टाइप के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होगी? एक इंट्रैक्शन. ए टाइप के पार्टिकल्स के बीच में भी कोई फोर्स होगी जो कि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है. इट मे बी इधर वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन ए ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड बी बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने से पहले उनके कॉम्पोनेंट्स के अंदर है. बट जब बेटा हम मिक्स करते हैं ए एंड बी, जब हम मिक्स करते हैं तो जो इंट्रैक्शन बनेगी, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्रिएट होगी बेटा बिटवीन ए एंड बी, वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए
जैसे कि ए कंपोनेंट्स के बीच में थी या फिर अकेले बी पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स के बीच में. दैट मींस इन आइडियल सॉल्यूशंस देयर इज नो चेंज इन इंटरेक्शंस ऑफ ए ए और बी बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर फॉर्मिंग ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन. क्लियर बेटा कि ए बी टाइप बनने के बाद इसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कोई भी चेंज यहां पर ना हो. ये कंडीशन कब हो सकती है बेटा, जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद ना तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज हो और ना ही उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज. क्लियर बेटा. फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन. सेकंड पॉइंट है दैट देयर इज नो चेंज इन इंटरेक्शन बिटवीन ए बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर बेटा कि ए ए टाइप और बी बी टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन थी वही इंटरेक्शन कहां पर होनी चाहिए, ए बी टाइप के पार्टिकल्स में. क्लियर बेटा. ठीक है बेटा कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में. किसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेटा, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में जो कि मिक्सिंग के बाद बनी है, दैट इज ए बी. क्लियर बेटा. बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में अगर ए ए टाइप के पार्टिकल्स हैं और बी बी टाइप के पार्टिकल्स हैं तो बेटा ए ए और बी बी टाइप के पार्टिकल्स की बजाय जो ए बी टाइप के पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद हमने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में या तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इंडिविजुअल सॉल्यूट या सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स की बजाय, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. तो बेटा ए ए या बी बी टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स करने के बाद जो ए बी टाइप के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, there will be a change in force of interaction. बेटा अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, there will be a change in force of interaction between solute and solvent particles after mixing. कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. दैट मीन्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज होगी. क्लियर. दो पॉइंट हमने दोनों ही सॉल्यूशंस के क्लियर कर लिए हैं. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करने के बाद देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग. कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव में और ना ही नेगेटिव में. द टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन. क्लियर बेटा. फोर्थ पॉइंट इज बेटा कि जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंडिविजुअल एंथैल्पीज थी अगर हम उनको देखते हैं तो एंथैल्पी के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. दैट मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स. क्लियर बेटा कि अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में कोई भी चेंज ना तो वॉल्यूम के अंदर होगा और ना ही एंथैल्पी में होगा. टोटल एंथैल्पी और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन्स एज इट इज.
there is no change in, किसमें change नहीं होगा था, volume of solution, ये volume of components after forming a solution. ये बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो. आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम में सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज, और किस चीज में चेंज नहीं होगा बेटा, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी of components after forming the solution. ये क्या हो गया अपना डेल्टा एच, किसके इक्वल होगा, जीरो के. और ये कौन सी वॉल्यूम है बेटा, आफ्टर मिक्सिंग. डेल्टा एच भी क्या है, आफ्टर मिक्सिंग. There is no change. Delta किसको represent करता है, delta change को. ना तो volume में कोई change होगा ना ही enthalpy में. यानी कि total change कितना आना चाहिए, zero. Clear बेटा? अब आते हैं हम इन्हीं points की तरफ, but कहाँ पर, non ideal solution में. अगर यहाँ पर force of interaction की हम बात करें, तो या तो force of interaction घटेगी या force of interaction बढ़ेगी. अगर फोर्स में चेंज है तो बेटा वॉल्यूम में भी क्या होगा, चेंज होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटती है, यानी कि फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटती है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा. दैट मींस देयर इज ऑलवेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन That is delta V जो होगा बेटा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा. कब, आफ्टर मिक्सिंग. क्लियर, क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, जैसे वॉल्यूम में चेंज हुआ, देयर इज ऑलवेज चेंज इन, किसमें चेंज होगा बेटा, एंथैल्पी में. देयर इज ऑलवेज चेंज इन एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी बेटा, ऑफ सॉल्यूशन. और ये कब होगा बेटा, ऑन मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो डेल्टा एच भी बेटा मिक्सिंग के बाद जीरो के इक्वल यहां पर नहीं होगा. क्लियर बेटा. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फोर पॉइंट्स थे जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते थे या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते थे. क्लियर बेटा. तो अगर हम इन सभी कंडीशंस को देखें तो बेटा रियलिटी में कोई भी सॉल्यूशन हर टेम्परेचर पर और हर कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है. उसकी वॉल्यूम में या एंथैल्पी में कोई ना कोई चेंज जरूर आता है जब सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में. बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जब सॉल्यूट की अमाउंट बिल्कुल ही ना के बराबर हो, तो उस कंडीशन पर और टेम्परेचर की कुछ कंडीशंस पर कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आइडियली बिहेव करते हैं. जैसे हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ा था कि आइडियल गैस नहीं होती, रियल में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती, बट सम रियल गैसेज बिहेव्स आइडियली एट सम कंडीशंस. तो इसी तरीके से बेटा कुछ कंडीशन पर कुछ सॉल्यूशंस बिहेव करते हैं एज
आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं बेटा इनके एग्जांपल्स। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन, या हम इसको कह सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, SiCl4 दैट इज सिलिकन टेट्राक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस टोलीन। अगर हम बात करें इथाइलिन डाइक्लोराइड की तो वो भी किसके साथ आइडियल होगा, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड के साथ। तो बेटा अब हम कुछ एग्जांपल्स को लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल के। बेटा अब आते हैं अपने ग्राफ पर जो हमने कल भी ड्रॉ किया था कि अगर रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे तो उस ग्राफ को भी क्या करेंगे, सॉल्यूशंस ओबे करेंगे। ग्राफ किसके बीच में बनाया था बेटा, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वो ग्राफ हम एक बार फिर से प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में क्या था बेटा, एक बार फिर से हम उसी ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। इस साइड में क्या था बेटा, वेपर प्रेशर। क्या था बेटा, वेपर प्रेशर। इस एक्सिस पर क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहां पर किसका था बेटा, ए कंपोनेंट का जो कि कितना था 1, और बी का कितना था बेटा 0। यहां पर जो प्रेशर बना था वो सिर्फ किसके कंपोनेंट का था, ए के कंपोनेंट का, और वो उनकी प्योर फॉर्म में था। यहां पे बेटा काई बी कितना हो जाता है 1 एंड काई ए कितना हो जाता है 0। दैट इज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी बाय बी पार्टिकल्स। और जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं बेटा तो ये क्या बनता है, पी टोटल ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू पी ए एंड पी बी। और बेटा इसके साथ ही ये जो हमारी ग्राफ की पोर्शंस थी ये किस चीज को बताती थी, पी ए, और ये किसको बताता था, पी बी, दैट इज इक्वल टू पी नोट बी एंड काय बी। और पी ए बेटा पी नोट ए इंटू काय ए। तो जो भी सॉल्यूशंस इस ग्राफ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस। ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग था बेटा, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही था। तो जो भी सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करते हैं वो सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस। अब अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेन पॉइंट क्या है कि उनके बीच में, किनके बीच में बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में मिक्स करने के बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा होती है तो वो सॉल्यूशन क्या बनेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफ हमारा स्ट्रेट आया है, नॉन आइडियल के केस में ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो इस ग्राफ में से पॉजिटिवली डेविएट करेंगे और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे दे विल डेविएट टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, तो उनको बोलेंगे कि इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के हैं बेटा, टू टाइप के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे यानी कि इस लाइन से ऊपर की तरफ अपना वेपर प्रेशर दिखाएंगे, that are non ideal solution showing positive deviation from ideal behavior। कुछ solution बेटा ऐसे होंगे जो इस straight line से downward direction में यानी कि negative direction में अपना vapor pressure show करेंगे, उनको बोलेंगे non ideal solutions showing
negative deviation from ideal behavior. Clear beta? कुछ solution जो non ideal में positive deviation show करेंगे और कुछ solution वो जो non ideal में negative deviation show करेंगे. अब बेटा ये positive और negative deviation क्यों आई, यहाँ पर हम इसको clear करेंगे कि अगर आपका total vapor pressure solution का इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाए, दैट मींस अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा हो, और वो ज्यादा कब होगा बेटा, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो. जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही जल्दी पार्टिकल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितनी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे वो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे. दैट मींस कोई भी सोल्यूट, ए टाइप का सॉल्वेंट या बी टाइप का सोल्यूट जब मिक्स होते हैं, तो जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, वीक. ए टाइप और बी टाइप के पार्टिकल्स से जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, कम होगी, जिससे वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कैसा डेविएशन शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव. बट अगर ए ए और बी बी टाइप के पार्टिकल में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको मिक्स करने के बाद उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है, तो बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनके वेपर स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. दैट मीन्स दे कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इन टू देयर वेपर्स. क्लियर बेटा? तो इसी आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन डाउनवर्ड दिखाए अपना वेपर प्रेशर, वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन. क्लियर? तो बेटा हम आते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ्स पर, जहां पर अगर वेपर प्रेशर ए का नॉर्मल वेपर प्रेशर से ज्यादा हो और बी टाइप के पार्टिकल्स का भी वेपर प्रेशर क्या हो बेटा, ज्यादा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी, दैट इज मोर, जो कि क्या होगा बेटा, ज्यादा. अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बजाय जो टोटल प्रेशर आना चाहिए वेपर्स का वो ज्यादा आए, तो बेटा वो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव की तरफ. तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारा ग्राफ स्ट्रेट आना चाहिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये ग्राफ स्ट्रेट ना आकर या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा. जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस कैटेगरी में आएंगे सॉल्यूशन जो क्या दिखाए, पॉजिटिव डेविएशन. और कौन से सॉल्यूशन बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ड्यू टू इंक्रीज इन देयर टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन as compared to solute-solute or solvent-solvent interaction. यहाँ पर बेटा जो AA या फिर BB type के जो particles थे solute या फिर solvent के, उन दोनों से A और B के particles के बीच में जो force of interaction होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज. क्या होगी बेटा, ए ए या बी बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज्यादा थी, अब डिसॉल्व होने के बाद ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर में लिक्विड के लिए कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा बेटा, इजी. तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इस केस में
ए बी जो इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या हो गया इंक्रीज, क्या हुआ बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, यहां क्या हुआ था बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो वेपर प्रेशर बढ़ा, बट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो यहां पर आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर बेटा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स का वेपर में कन्वर्ट होना थोड़ा सा क्या हो जाएगा मुश्किल, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ बेटा डिक्रीज, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर बेटा, बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस हम कर चुके हैं, दैट हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हमने कर लिया है पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो बेटा अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट जो हमने किया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में शोइंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन, कि एक में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट बेटा जहां पर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी वहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद आएगा वो आएगा बेटा पॉजिटिव। यहां पर बेटा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है डेल्टा एच हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। एंड थर्ड देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, कि उनके बीच में जो वॉल्यूम है सोल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद उनकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा स्लाइट इंक्रीज। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन क्या होती है बेटा इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट इज अगर हम यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग देखें तो यहां पर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दैट मीन्स हीट विल बी इवोल्व, और जब भी हीट इवोल्व होती है डेल्टा एच की वैल्यू किस में आती है बेटा नेगेटिव में। ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग के बाद क्या आएगा बेटा नेगेटिव, इसी रीजन से कि यहां पर प्रोट भी क्या आ रहा है नेगेटिव में, डेल्टा एच भी किस में आ रहा है नेगेटिव में, डेल्टा वी भी किस में है नेगेटिव में, ऑल द मेन पॉइंट्स आर इन नेगेटिव टर्म, इसीलिए बेटा ये डेविएशन कौन सा हुआ नेगेटिव डेविएशन, एंड दिस साइड ऑल द टर्म्स आर इन देयर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये जो प्लॉट हमने किया ये किसके लिए बेटा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लो। क्लियर बेटा, अब आते हैं एग्जांपल्स पे। तो बेटा एक बार मेन मेन पॉइंट्स फिर से कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच क्या आता है बेटा जीरो, डेल्टा वी क्या आएगा बेटा जीरो, कब आएगा बेटा आफ्टर मिक्सिंग, यहां पर क्या आएगा बेटा नो चेंज इन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्लियर बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा ओबेज रॉड्स लो। क्लियर बेटा, यहां पे फिर से हम मेन मेन कर लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितनी तरह के होंगे, दो तरह के, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अगर हम पॉजिटिव की बात करें और नेगेटिव डेविएशन की, तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा इंक्रीज, यहां पर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी इंक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी
तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज। अब अगर हम एंथैल्पीज और वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। यहां पर क्या होगी बेटा, नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग के बाद क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव डाइल्यूशन की बात करें तो यहां पर क्या होगी, नेगेटिव। नाउ अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में बेटा एन हेक्सेन को अगर हम ऐड करते हैं एन हेप्टेन में तो ये कौन सा होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरो ईथेन प्लस आयोडो ईथेन सेकेंड एग्जांपल हो गया बेटा हमारा।